पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटालों को लेकर दिनों दिन विरोध बढ़ता जा रहा है। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार से अपने पैसे वापस मांगे। देखिए कैसे मुंबई में आरबीआई के सामने खाताधारक इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल एक बुजुर्ग अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहीं कुछ देर बाद वहां प्रदर्शन कर रही एक महिला भी बेहोश हो गई, उन्हें भी वहां मौजूद लोगों ने पुलिस की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पीएमसी बैंक के 4 खाताधारकों की मौत हो चुकी है। इनके पीछे बैंक में खाताधारकों को पैसे निकालने पर लगी पाबंदी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये सारे प्रोटेस्टर्स जमा हुए हैं, ये वेरियस पोस्टर्स को लेकर, और कोई कहता है कि इस बार कोई वोट नहीं करेगा क्योंकि इनके पैसे पूरी तरह से आए नहीं है इनके हाथ में। 5 डेथ्स हुई है, 4 डेथ्स जो कंफर्म हुई है पीएमसी बैंक के चलते, क्योंकि पीएमसी बैंक में उन सारे डिसीज पर्सन के पैसे थे, मेडिकल इमरजेंसी थी, पर पैसे निकाल नहीं पाए। पीएमसी बैंक की ब्रांच चाहे किसी भी शहर की हो, उसके बाहर इसी तरह का हाल नजर आता है। लोग अपनी गाड़ी कमाई निकालने के लिए परेशान हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। हम मर जाने के बाद आज जागोगे कोई मतलब नहीं होगा। आरबीआई इतने बेरहम, हमारा भाई मर जाने के बाद पैसा क्यों दोगे? लोग बोल रहे हैं मुंबई कर की बात कर रहे हैं, हम मुंबई कर नहीं है क्या? हम भी तो मुंबई कर हैं। शायद यही वजह है कि बरसते पानी के बीच सब काम छोड़कर ये लोग आरबीआई ऑफिस के सामने अपने हक की आवाज बुलंद करने पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे खाताधारकों ने सड़क से गुजर रही गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। खाताधारकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई के बाहर पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए थे। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गेट पर रोक लिया था। इसके अलावा पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई लोगों को खदेड़ा भी। मेरी फैमिली का मिला के 1.5 करोड़ रुपीस है, और मैंने अभी मेरे बच्चों के नाम पे एक फ्लैट लिया है जी। अपने ही पैसों के दम पे मुझे हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपया बिल्डर को देना पड़ता है। आज मैं इस परिस्थिति में आ गया हूँ, इतनी बुरी हालत हो चुकी है मेरी कि मैं उसको पैसे कैसे दूँ। हमारा कौन सा कसूर है कि हमने उधर डिपॉजिट किया, बताइए आप। हम लोग प्रोटेस्ट किए, हमारे पैसे दे दो, हमें कोई खुशी नहीं है कि मैं यहाँ, हम आके रोज यहाँ पे धरना दे। आप बोलिए, घर बार छोड़ के हम लोग, ये आज 22 या 23 दिन है हम लोग रोज रस्ते पे है, मांग रहे हमारे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। फिर आप बस सोचिए, 50 लाख फैमिलीज हैं, तो 16 लाख का जो है उनका 4 का कितने हो गए, आप सोचिए इन लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। दरअसल 6,500 करोड़ के पीएमसी घोटाले के उजागर होने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक से एक सीमा से अधिक नकदी निकालने पर रोक लगा दी है। खाताधारक 6 महीने की अवधि में बैंक से मात्र 40,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, जिससे खाताधारक नाराज हैं। उनका दावा है कि अपना ही पैसा वो भीख की तरह क्यों मांगे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पीएमसी बैंक की इस नोटबंदी के जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी।